चंपक चाचा चौधरी की कहानियां पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब हम सरस सलील और उसकी अश्लील कहानियों को फील करने लगे। जवानी जिंदगी की दहलीज पर दस्तक दे चुका था। अब तक जो गाने हम गुनगुनाया करते थे अब हम उसे फील करने लगे। रातों को चांद तो हम बचपन से देखते आ रहे थे, पर अब ये वो दौर था जब चांद में किसी की तस्वीर नजर आने लगी। ये बात और है कि हर दिन हर हफ्ते वो तस्वीर बदल जाती थी। मतलब अगर आप दिल को सरकार मान लो तो सरकार चलाने के लिए हम किसी भी दल के साथ जुड़ने को तैयार हैं, मतलब हम जाने को तैयार रहते थे। इस दौरान ना जिंदगी हमें बहुत कंफ्यूज करती है, बहुत ज्यादा। मतलब बाबूजी के लिए पढ़ाई करें, दोस्तों के लिए लड़ाई करें, भैया की साली के साथ शॉपिंग करें या फिर सगाई करें, पता ही नहीं चलता है क्या करें। पर जब दिल से आप पूछोगे तो दिल से आवाज आएगी कि चलो भाई सगाई कर लेते हैं। और इस दिल को बहकाने में ना, आग लगाने में ना, सरस सलील और उसकी अश्लील कहानियों का बहुत हाथ है। और फिर उस आग में ना घी डालने का काम बॉलीवुड की फिल्म और गाने बखूबी करते हैं। मतलब कोई भी गाना उठा लो, कोई भी फिल्म उठा लो, वो आपको आपसे कनेक्ट कर लेगा, सिवाय मिथुन दा की। इनकी फिल्मों में मां बहनों के साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर और विलेन कुछ ज्यादा ही अत्याचार होता था, ज्यादा ही अत्याचार होता था। मतलब बहन की इज्जत उतरनी है, डबल पैसा लेके जाता हूं। खैर हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैं एक कहानी आप लोगों से शेयर करता हूं। एक दिन बचपन की बात बता रहा हूं, एक दिन बड़े भैया के तकिए के नीचे से मुझे एक रोल की हुई किताब मिली। उस किताब का कवर पेज देखते ही ना दिल में विस्फोट हुआ, एकदम कोयला खदान जैसा। और तभी उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया कि भैया इसमें घुसना है, पढ़ना है मुझे किताब। आज भी याद है मुझे, दिसंबर का महीना था, चार दिन पहले ही मेरी एग्जाम खत्म हुई थी। लौंडा 8 बजे सो जाता था, आज डिक्शनरी लेकर बैठा हुआ है। मानो अंग्रेज के साथ अंग्रेजी में कोई शर्त लगी हो। माजरा कुछ अलग था, फोकस कहीं और था, समय भी मेरे साथ बैठ कर मजे ले रहा था। आधी डिक्शनरी तो मैंने पलट दी होगी। तब तकरीबन रात के 9 बजे होंगे। माँ आई, बेटा सोना नहीं है? नहीं माँ, तू सो जा, आज मैं लेट सोऊंगा, दिन में सो गया था ना मैं। माँ चली गई। अपना यहां हर मिनट ना पेज पलटता जा रहा है, ये मैंने सीखा था, क्योंकि बाबूजी की आदत थी छुप कर देखने की कि बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और कितनी बार लात जूते लग चुके थे, तब जाकर ये तरकीब निकल रहा था कि हर मिनट पेज पलटने का, पढ़ने का नहीं पढ़ने का, ये
बाद में डिसाइड करना, हर मिनट पेज पलटने का। और जब से ये पेज पलटने वाला शुरू किया था ना, तब से मामला सही था, आराम था। वैसे डिक्शनरी में ना मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे तो सरस सलील का पहला पेज पोस्टर वही डिक्शनरी के ऊपर भी दिख रहा था, हर पेज पे। अब तक मैं वाइट तक पहुंच चुका था। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके होंगे। बाबूजी आए, बेटा चिंटू, अरे सुना नहीं है, एग्जाम के टाइम इतना पढ़ लेता है, अभी क्या पढ़ रहा है? मैंने कहा बाबूजी ऐसे अगली क्लास की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा, हाँ बाबूजी पता है, इसमें तो पास हो ही जाऊंगा। ये बताया था ना आपको, बाबूजी छुप कर देखा करते थे। मतलब बाबूजी मेरे इतने पढ़े लिखे थे कि वो सिग्नेचर कर लेते थे, सिग्नेचर कर लेते थे। वो मेरे बुक लेकर बैठने से खुश हो जाते थे। आज तो बुक पतली दुबली भी नहीं थी, इतनी मोटी बुक थी, मतलब आनंद चार गुना। बस डर मुझे मेरे बड़े भाई का था, जो अब तक कुछ नहीं आया था। बाबूजी के जाने के बाद मैं अपने भाई का इंतजार करता रहा। तभी मुझे दूर से वो आते हुए दिखा। अपने उसी स्टाइल में मैंने एक पेज तब तक पलट दी कि भाई को दिखे कि बंदा पढ़ रहा है। पर भाई तो अपना ही भाई था, तो भैया आते ही हाथ में सरस सलील थमा दिए। मैंने कहा भैया ये क्या है, ये क्या है भैया, मुझे नहीं चाहिए ये सब। उनका बकचोदी बंद कर, मुझे पता चल चुका है कि मेरे तकिए के नीचे रोल किया हुआ बुक तू ही सीधा किया है। बेटा मैं तो तेरा डेडिकेशन चेक कर रहा था कि तू इस लायक है भी कि नहीं। भाई उस वक्त से मुझे मेरे भाई के प्रति ना रिस्पेक्ट। एग्जाम में कभी उसने भी 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं लाए, कभी नहीं। लेकिन बंदे में जो सूंघने की क्षमता थी ना, वो कुत्तों से भी तेज। इन वन वर्ड, भाई मेरा इंटेलिजेंट था। अब मैं सरस सलील पढ़ने लायक हो गया था। रात के तकरीबन 11:10 हुए होंगे जब मैंने कहानी पढ़ना शुरू किया। 3 बजे तक भाई ने दाएं देखा ना बाएं, बस टिकाया हुआ नजर। पेज यहां भी पलट रहा था, लेकिन पूरा का पूरा पढ़ने के बाद 3 बजे अपने लालटेन की तेल खत्म। बंदा रुका नहीं, डेडिकेशन देखो बंदे का, बंदा रुका नहीं, बत्ती को जलाकर 4 बजे तक पढ़ता। 4 बजे फिर भैया आए, पर सारी कहानियां पढ़ ली, और भी कुछ पढ़ना चाहता। नींद की तो नींद उड़ चुकी थी, नशे सा चढ़ गया। उफ हे भगवान, काश ये बुक मेरे सिलेबस में होता तो साला मैं टॉप करता। तभी भैया है, बोले और चाहिए? मैंने कहा भैया
एक दो मिल जाता तो भैया अच्छा हो जाता। मतलब देखो ना, आप तो देखो ना भैया, दे दो ना। मतलब अब तो सवेरा भी होने वाला है भैया, मतलब मैं तो ऐसे ही पढ़ सकता हूँ, लालटेन की जरूरत नहीं है भैया। उन्होंने कहा एक तो नहीं दूंगा, पूरे 20 सरस सलील दूंगा। और कहानी इससे भी कहीं ज्यादा उसमें उत्तेजित करने वाली है। मतलब भैया मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ा। मतलब एक रात में मैं सरसी हो गया था, नहीं समझे, जैसे चरस पी के बंदा चरसी हो जाता है, वैसे मैं सरस पी के सरसी हो गया था। लेकिन तभी भैया ने और सरस देने से पहले एक शर्त रख दी, मतलब एक मिनट में मैं हीरो और उनको विलन की नजर से देखने लगा। सच्ची बता रहा हूं, उस वक्त भैया मुझे हिंदी फिल्म के खलनायक से दिखने लगे। जो सरस सलील को अपने कब्जे में रखकर मुझसे अपना काम निकलवाना चाहते। मैंने बिना सुने, बिना शर्त सुने उनकी शर्त मान ली। कहा भैया आपकी सारी शर्त मंजूर, सारी शर्त मंजूर। भैया ने कहा ये लो, आज से और आप से ये सारी सरस सलील तुम्हारे बस में है। शर्त बस ये है कि वो भी इतनी शिद्दत से पढ़ना जो तुम्हारे सिलेबस में है। ये ऑफर एक भाई दे सकता है, बाप नहीं देगा, कभी नहीं देगा। चंपक सरस सलील पढ़ने वाले और दोस्तों में अश्लील बातें करने वाले को ये वीडियो आज ही शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।